फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे तंदूरी नान। इसके लिए मैंने आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मैदा लिया है। इसमें जाएगा दही, नमक, चीनी, बेकिंग पाउडर, ऑयल, रिफाइंड ऑयल, बेकिंग सोडा। मैं अब हम डालेंगे दही 4 टेबल स्पून, दही, रिफाइंड ऑयल 3 टीस्पून, 1 टेबल स्पून चीनी, 1/2 टीस्पून से भी कम नमक, 1/2 टीस्पून से भी कम बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून से कम बेकिंग सोडा। आप चाहें तो बेकिंग सोडा ही खाली डाल दें, उससे भी नान अच्छी बनती है। इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। जो को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा सा एक डो बना लेंगे। आप चाहें तो इसका डो दूध से भी तैयार कर सकते हैं, मैं इसका डो पानी से तैयार करूँगी। इसका अच्छा एक डो बना लेंगे। डो लग के हमारा तैयार हो गया। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को अच्छे से चारों तरफ लगा देंगे। इसको अच्छे से चारों तरफ मिक्स कर देंगे ऑयल को। ऑयल मैंने अच्छे से लगा दी। अब इसको हम एक बर्तन से ढक के 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए। फिर इसके बाद हम इसकी नान बनाएंगे। आटे को किचन में ही छोड़ेंगे 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए। आटा को रखे हुए 2 से 3 घंटे हो गए। हम इसको ऐसे मिक्स कर देंगे। इसकी एक लोई बनाएंगे। एक लोई बना के इसको हम बेल लेंगे। थोड़ा सा सूखा मैदा लगाएंगे, इसको बेल लेंगे। तो हम बेल लेंगे नान को। हम किसी भी शेप में बेल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कलौंजी, हरा धनिया, इसको भी बेल देंगे। इस तरीके से एक बार बेलन चलाने के बाद हम इसको ऐसे पलट देंगे। इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा पानी। पानी लगा देंगे पूरे में इस तरीके से। तवा को मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें नान डाल देंगे मीडियम आंच पे। इसको भी सिकने देंगे। आप किसी भी शेप में बेल सकते हैं। मैंने लोहे का तवा लिया है, ये नॉन स्टिक तवा नहीं है। हल्के से बबल आना शुरू हो गए हैं। अब हम इसको तवा उल्टा करके सेक लेंगे। गैस की फ्लेम हाई करेंगे। अब हम इसको सेक लेंगे इस तरीके से, चारों तरफ से घुमा घुमा के तवे को इस तरीके से। हमारी सिक्का रेडी है। बस इसमें थोड़ा सा लगाएंगे घी देसी। आप बटर, घी, कुछ भी लगा सकते हैं। मैं देसी घी लगा रही हूँ। देखिए नान हमारी कितनी सॉफ्ट बनी है, अच्छे से सिक गई, दोनों तरफ से अच्छे से सिक गई है नान हमारी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक, कमेंट एंड चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।